आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई खूबसूरत हसीनाएं देखी हैं, जो फिल्मों में अपनी एक्टिंग की वजह से तो दर्शकों का खूब मनोरंजन करती ही हैं, साथ ही अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करती, अपने हर एक चीजों पर बखूबी ध्यान देती हैं। जहां कुछ एक्ट्रेसेस तो ऐसी भी हैं जिन्होंने खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का भी सहारा लिया है, और खूबसूरत लगने की वजह से इनकी कई बार प्लास्टिक सर्जरी उल्टी भी पड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं कुछ एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक, अनुष्का शर्मा। पीके गर्ल अनुष्का शर्मा अपने लिप जॉक की वजह से गॉसिप का विषय बनी थी। अनुष्का का मोटा लिप पाउट खूब ट्रोल हुआ था। हालांकि अनुष्का शर्मा ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मोटे होठ बढ़ाने वाले उपकरण का परिणाम थे। नंबर दो, आयशा टाकिया। वॉन्टेड फिल्म से घर घर में जाने जाने वाली अभिनेत्री आयशा टाकिया ने भी खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इनकी प्लास्टिक सर्जरी इन पर उल्टी पड़ गई थी और इनका चेहरा पूरा बदल गया था। उनके चेहरे पर खूबसूरती नहीं दिखी, बल्कि इनकी पुरानी खूबसूरती सारी ढल गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। नंबर तीन, मौनी रॉय। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपना नाम कमाने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय भी अपने लिप्स की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं। सर्जरी के बाद इनके होंठ काफी ज्यादा मोटे लगने लग गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें लेकर काफी बातें भी बनाई थी। नंबर चार, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक अभिनेत्री में से एक है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा की नाक से लेकर होंठ तक की सर्जरी हुई और ये उनके करियर के लिए शानदार साबित हुई। प्रियंका ने कभी भी सर्जरी कराना एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन, लिप फिलर और अन्य उपचारों से खुद को खूबसूरत बनाया है। नंबर पांच, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की टोन शरीर बनाए रखने के लिए सराहना की जाती है, जिसके बावजूद इन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजरने वाली बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट में रखा गया है, जिन्होंने अपनी नोज सर्जरी करवाई है। जिन्होंने खुद इस बात पर कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अनुसार अब तेज नाक उनके चेहरे की अट्रैक्शन को अच्छी तरह से बैलेंस करती है। नंबर छह, कोयना मित्रा। कोयना मित्र भी इस लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा चुकी हैं, जिन्होंने खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। हालांकि इनकी प्लास्टिक सर्जरी इन पर उल्टी पड़ गई थी और इनकी खूबसूरती खो गई थी। नंबर सात, वाणी कपूर। वाणी अपनी ठुड्डी, होंठ और चेहरे की बनावट के लिए काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, जहां बताया जा रहा है कि इन्होंने फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के बाद सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उनका चेहरा काफी बदला सा लग रहा था। हालांकि वाणी ने अब कभी भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बड़े वजन घटाने के लिए परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराया। नंबर आठ, श्रुति हसन। श्रुति हसन दिखने में बेहद खूबसूरत है और वो अपनी नाक की सर्जरी कराने को लेकर काफी चर्चाओं में रही है। हालांकि श्रुति हसन ने ये भी कहा कि इशू की वजह से उनकी नाक की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से वो सेप्टोप्लास्टी से गुजरी। इसके अलावा श्रुति हसन को लिपोक्शन कराने के लिए भी ट्रोल किया गया था। नंबर नौ, सारा खान। टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड तक अपना सफर बनाने वाली अभिनेत्री सारा खान ने भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसके बाद से लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया था। नंबर दस, राखी सावंत। अभिनेत्री राखी सावंत काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। राखी सावंत ने कई बार सर्जरी करवाई है और इनके सर्जरी इनके चेहरे पर साफ नजर आती है, जिसकी वजह से लोग इन्हें प्लास्टिक की दुकान भी कह देते हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन अभिनेत्रियों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।